तो गाइस हमारी गाड़ी थोड़ी सी फंस चुकी है और बड़ी परेशानी हो रही है इसको निकालने में बाहर। लग गई भाई, लग गई, नीचे लग गई यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आज का जो सीन है वो बहुत ही खतरनाक, अमेजिंग और धमाकेदार रहने वाला है, खतरों से भरा रहने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक रिबॉन 350 की ऑफ रोडिंग टेस्ट, जिसमें हम चेक करेंगे क्या ये गाड़ी लद्दाख ले जाने लायक है या नहीं। वैसे तो भाई कोई डाउट नहीं है इस गाड़ी में, पर फिर भी क्योंकि इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार हम आप लोगों को लद्दाख की ट्रिप दिखाएंगे। गाइस लद्दाख ले जाने के लिए सबसे डिमांडेबल बाइक यही है। तो उससे पहले हम चेक करने वाले हैं अपनी रिबॉन की, देख सकते हो इसकी हम करने वाले हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, इस रोड पर हमारी होगी ऑफ रोडिंग टेस्ट। अभी ये वाला रूट है हमारा, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा खतरनाक रास्ते हैं, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो पूरी देखना गाइस, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कितनी पावर है इस गाड़ी में। और गाइस मैं इसके दोनों सस्पेंशन चेक करूंगा, देखता हूँ कितनी पावर है इसके सस्पेंशनों में, कितना हमें कम्फर्टेबल राइड दे पाती है या नहीं दे पाती है। तो अच्छा यहाँ पर हमें कम्फर्टेबल राइड दे देगी तो समझ लेना की लद्दाख ले जाते टाइम भी हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। चलो तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ अपने गोप्रो पे शिफ्ट और रोजर पे सवार हो चुका हूँ रॉयल एनफील्ड पे, और हमने कर दिया गाड़ी स्टार्ट और अब हम चेक करते हैं इसकी ऑफ रोडिंग। क्योंकि भाई मुझे पता है कंफर्म तो है वैसे, क्योंकि मैंने उसकी ऑफ रोडिंग मैंने पहले तो कभी टेस्ट नहीं करी है, पर अपनी गाड़ी पर विश्वास है, अपनी क्लासिक रिबॉन 350 पर, मतलब मैंने जो इसका नाम रखा है रोजर, मतलब इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑफ रोडिंग में भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगी। और आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं इसको लद्दाख ले जाने के लिए। तो भाई देख सकते हो ऑफ रोडिंग हो चुकी है स्टार्ट, अभी तो ये हल्के फुल्के गड्ढे हैं, तो बड़ी प्यारी ऑफ रोडिंग रहने वाली है। मैंने आज तक इससे पहले तो कभी टेस्ट नहीं करी है, पर भाई तब भी कंफर्म के साथ कह सकता हूँ, मतलब कंफर्म तो क्या ही, कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारी रोजर जो है भाई सक्सेस रहेगी हमारी ऑफ रोडिंग में। आने वाले टाइम में इसी को हम लद्दाख लेकर जाएंगे, तो कोशिश पूरी है हमारी। तो दोस्तों जंगल देख सकते हो आप, जंगल बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारी रोड बनाई हुई है जंगल में, देख सकते हो बिल्कुल एक जिस जो ये रोड जा रही है गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस रोड में आगे ना एक मंदिर पड़ता है, इस मंदिर का नाम है सूर्य देवी मंदिर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम गाइस इसलिए हम आए थे, वैसे तो यहाँ मंदिर घूमने ही आए थे, पर यहाँ पर भाई लोगों ने बताया कि यहाँ ऑफ रोडिंग करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ऑफ रोडिंग की वीडियो लाई जाए। इससे पहले तो गाइस आप लोगों ने स्पीड की, माइलेज की और इसके मॉडिफिकेशन की सारी वीडियो देख लेंगी, जिन भाइयों ने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक रिबॉन है उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, और इस वीडियो में हम चेक करेंगे पूरी ऑफ रोडिंग, बेहतर से बेहतर ऑफ रोडिंग मैं दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस आप लोगों को। अच्छा ऑफ रोडिंग पसंद आती है गाइस तो वीडियो का एक लाइक कर देना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अभी तक मुझे अनकम्फर्टेबल राइड तो नहीं मिली है, अभी तक मुझे सब कुछ कम्फर्टेबल ही लग रहा है, अभी तक ज़्यादा कुछ महसूस तो नहीं हुआ है कि नहीं भाई ऑफ रोडिंग में नहीं निकल सकती ये आगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये जंगल देख रहे हो भाई ये बहुत खतरनाक जंगल है, बहुत घना जंगल है, देख सकते हो आसपास यहाँ भाई जंगली जानवर भी घूमते हैं, पर हम क्या करें आप लोगों के लिए वीडियो भी तो लाने का इस, तो खतरों से थोड़ा बहुत तो खेलना ही पड़ेगा। कैसा जंगल लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई, भाई मुझे यहाँ ना थोड़ा बहुत डर टाइप का भी लग रहा है भाई, कहीं जंगली जानवर आ गया तो भाई गाड़ी भगानी पड़ेगी बहुत तेज। जंगल देखो गाइस कितना प्यारा जंगल है भाई, और इतने प्यारे जंगल के अंदर जब ये धूप निकली हुई है ना भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था, पता लग रहा है हम लोग वहाँ पर जाते हैं ऑफ रोडिंग की वीडियो बनाने के लिए और धूप चली गई तो भाई ठंड का मौसम चल रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, पर भगवान हमारे साथ है भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने में। अभी तक तो हमें देख रहे हो उतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की रोड तो नहीं मिली है, तो आगे आगे देखते हैं कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग रहती है रोड, कितनी ज़्यादा नहीं रहती है। ओ भाई अभी तक तो हमारी रोजर अच्छे से निकल रही है, सारे गड्ढे पत्थर सब पार कर रही है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है इसको चलाने में ऑफ रोडिंग में भाई, ये बात तो सच है। रॉयल एनफील्ड को अच्छा आपको टेस्ट करना है ना, उसका असली एक्सपीरियंस आपको लेना है तो भाई ऑफ रोडिंग करके देखो, तब आपको पता लगेगा कि रॉयल एनफील्ड की पावर कितनी है भाई।
तो दोस्तों अभी तक जो इसके सस्पेंशन है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में, मतलब जो जर्क होता है हाथ में वो ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, कंफर्म अच्छे से चल रही है गाड़ी, जो रियर सस्पेंशन है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैं हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोडिंग करके दिखाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे में ले जाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी गाड़ी गड्ढे पार कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये ऑफ रोडिंग प्लेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या हमें इससे भी ज़्यादा खतरनाक प्लेस पर जाना चाहिए ऑफ रोडिंग के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों के लिए वो वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी। हम अभी तो प्लेन्स में टेस्ट कर रहे हैं, बाद में हम ऑफ रोडिंग इसकी पहाड़ में भी टेस्ट करेंगे, माउंटेन्स में लेकर जाएंगे इसको। अच्छा आप लोग इस वीडियो में अच्छा प्यार दिखाते हो तो हम लोग आपको प्लेन्स की जगह पहाड़ में ऑफ रोडिंग करके दिखाएंगे, जहां आपको और ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा गाइस ऑफ रोडिंग की। तो यहां से थोड़ा ऑफ रोडिंग कम हो चुकी है, अभी तक जो पीछे चल रही थी वहां थोड़ा ऑफ रोडिंग थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब पत्ते वत्ते पत्थर वत्थर काफ़ी पत्थर गड्ढों के ऊपर पत्ते बिछे हुए थे ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी थोड़ा साफ है, पर यहाँ पर भी गड्ढे आने स्टार्ट हो गए गाइस, चेक करो। ओ भाई, अरे बाप रे। तो भाई कुछ ऑफ रोडिंग है भाई यहाँ, भाई लोग सच बोल रहे थे भाई कि आप लोग वहाँ पर लेकर आओ गाड़ी, ऑफ रोडिंग वहाँ पर आपकी अच्छी हो जाएगी, और वो लोग आगे निकल गए हैं, मैं भी थोड़ा उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई ऑफ रोडिंग ऊपर से तेज चला रहे हैं गाड़ी, और ऊपर से ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं हम, तो भाई थोड़ा गड्ढे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं अब। ओ भाई, पर दोस्तों मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में, क्योंकि हमारे हाथ में रॉयल एनफील्ड है, और रॉयल एनफील्ड की पावर मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। तो भले ये रेस में आगे नहीं निकलती है गाइस, कोई बात नहीं, पर हमारे पास भी एक प्लस पॉइंट है कि ये ऑफ रोडिंग में अपने आप में किंग है। ओ भाई ये देखो गाइस, अरे बाप रे, कुछ बड़े गड्ढे हैं गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना। दोस्तों ऑफ रोडिंग के जो मज़े हैं भाई वो बहुत ख़तरनाक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गड्ढे वड्ढे हैं वो बहुत तगड़े हैं। तो दोस्तों चेक करो, यहाँ से हो चुकी है चढ़ाई स्टार्ट, और चढ़ाई में भी अच्छे खासे गड्ढे हैं भाई। ऑफ रोडिंग तो भाई है, बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारे रॉयल एनफील्ड का, उतनी ज़्यादा मतलब जैसे हिसाब से हमें लगता है कि हमारी ऑफ रोडिंग में पावर देगी ये, बिल्कुल कोई शक नहीं है गाइस इसमें, आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हो आराम से, इसीलिए तो ये इतनी डिमांडेबल बाइक है हमारी लद्दाख ले जाने के लिए। आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्लासिक ही बाइक है, एक ऐसी बाइक है जो लद्दाख जाती है, क्योंकि भाई इसका जो कम्फर्टेबल है ना और इसका जो ऑफ रोडिंग है वो बहुत प्यारी है, आपको कभी भी धोखा नहीं देगी ऑफ रोडिंग के टाइम पे, और इसमें लगेज वगैरह ले जाने के लिए भी फुल सिक्योर होता है, क्योंकि आप पीछे से इसमें कैरियर बांध सकते हो इसमें। ओ भाई ओ अरे बाप रे भाई, ये चेक करो भाई, ग्राउंड क्लियरेंस भी गाइस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक, तो कोई भी पत्थर इसमें नहीं आ रहा है नीचे से। और अब चेक करो गाइस, अब आने वाली है खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग, क्योंकि आगे देखो गाइस, आगे है नदी, ठीक है नदी तो नहीं कह सकते, छोटी सी नदी है ये, बरसात के टाइम पे गाइस बहुत ज़्यादा पानी आता होगा इसमें, और अभी हम इसमें उतारते हैं गाड़ी को और देखते हैं। ओ भाई फंस रही है गाइस, थोड़ा बहुत पर निकल जाएगी, कोशिश हमारी पूरी है, और हमारी रोजर निकल चुकी है भाई। तो दोस्तों चेक करो, बहुत तगड़ा यहाँ ऑफ रोडिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओ भाई गाड़ी धस रही है यार, चेक करो गाइस यहाँ पर बहुत प्यारा मज़ा आ रहा है भाई, जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, हमें ये पता लगेगा कि हमारा ग्राउंड क्लियरेंस कितना है इस गाड़ी का। ओ भाई अभी तक तो अच्छी तरीके से पार कर रही है गाइस। ओ भाई बहुत ख़तरनाक। तो गाइस हमारी गाड़ी थोड़ी सी फंस चुकी है, और बड़ी परेशानी हो रही है इसको निकालने में बाहर, पर हम कोशिश पूरी करेंगे इसको बाहर निकालने की, क्योंकि ये हमारी ऑफ रोडिंग किंग है। ओ भाई टक्कर भाई, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं भाई, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो अभी तक तो सही काम कर रहा है, पर ज़्यादा बड़े पत्थरों में निकल नहीं पा रही है। लग गई भाई, लग गई नीचे लग गई यार।
तो दोस्तों ऑफ रोडिंग में पसीने छूट चुके हैं मेरे तो बहुत, और सांस भी फूल लिया क्योंकि भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है। पर निकल आसानी से जा रही है, कोई बात नहीं है बड़ी। बट यही है कि जंगल में अच्छा गाड़ी फंस गई ना तो जंगली जानवर आने का रिस्क है बस। ये देखो भाई, ओ भाई ओ भाई, जंगली जानवर आने का रिस्क है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। ओ भाई लग गया भाई, हल्का सा एक बार लगा दोबारा। तो गाइस हमारी क्लासिक रिवॉन 350 परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा दे रही है अभी तक। अभी तक तो इसने कोई भी ऐसा पॉइंट महसूस नहीं होने दिया जहां पर लगेगा कि हाँ ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती है, और अच्छी तरीके से निकल रही है गाड़ी, सभी गड्ढों को पार कर रही है, सभी चैलेंजेस को ये पार कर रही है अच्छे से। पानी में देखा गाइस आपने, अभी बहुत अच्छे से निकली है गाड़ी, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कराया उसने वहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों ने पत्थर में भी देखा होगा, पत्थरों में काफ़ी अच्छी तरीके से निकली है गाड़ी। वो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पत्थर में डाली थी गाड़ी कि मैं वहाँ पर चेक कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढों में निकलती है या नहीं निकलती है। वो आप लोगों ने देख लिया होगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है। और ऑफ रोडिंग चेक करो भाई, ऑफ रोडिंग के तो मामले में भाई रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओ भाई, आप लोग इसको कितने नंबर देना चाहोगे गाइस ऑफ रोडिंग में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 5 में से कितने नंबर दे सकते हो इस गाड़ी को? मैं दूंगा तो गाइस 5 में से इस गाड़ी को 4 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि भाई एक नंबर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इतना ज़्यादा। तो काफ़ी बड़े पत्थरों में जब गाड़ी आ रही है तो वहाँ पर जाके तो थोड़ा फंस जा रही है, तो इसलिए मैं एक नंबर इसका वहाँ पर काटूँगा। और आप इस गाड़ी को कितने नंबर देना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चेक करो गाइस, लोकेशन चेक कर सकते हो आप, देखो गाइस कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। तो किसी लद्दाख ट्रिप से कम है तो मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। वैसे मेरे को तो फुल मज़े आ रहे हैं यहाँ पर ऑफ रोड करने में, और पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है कि आने वाले टाइम में जब हम इसको लद्दाख लेकर जाएंगे तो इसी चुनौतियों से हमें पार करना पड़ेगा। ओ भाई, ओ भाई बहुत तगड़ा भाई, अरे बाप रे, गाड़ी में से भी कहीं भी आवाज़ नहीं आई है अभी तक कोई भी ऐसी जो लगा हो कि हाँ गाड़ी ख़राब होने जैसी हो रही है। प्रॉपर काम कर रही है गाड़ी, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, कैलिपर, सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रहे हैं। और भाई मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ भी कहो गाइस। अब आप लोगों को समझ में आया, मुझे तो भाई अब समझ में आ गया कि इसको लद्दाख ले जाने में कितना मज़ा आएगा, क्योंकि भाई लोग लद्दाख को जब लेकर जाते हैं तो उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तभी कहते हैं ना भाई अच्छा राइडर होना तो एक बार लद्दाख ट्रिप पे ज़रूर जाओ इसको लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर होती है हमारी ऑफ रोडिंग एंड। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है ऑफ रोडिंग के मामले में, तो भाई किंग है, मैंने कई सारी वीडियो में भी आप लोगों को बताया। ऑफ रोडिंग के मामले में तो भाई बहुत अमेजिंग गाड़ी है, और देख सकते हो भाई ऑफ रोडिंग में अभी तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है, ऐसी कोई भी जगह इसमें लगी नहीं है कि आपको लगे कि भाई चोट लग गई होगी इसमें, या मतलब कुछ टूट फूट गया होगा, देख सकते हो। अच्छा ये समगार्ड नहीं होता ना भाई तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, इसके इंजन डैमेज भी हो सकता था। अच्छा आप लोगों ने अभी तक समगार्ड नहीं लगवाया भाई तो ये समगार्ड जरूर लगवा लो, ये लगवाना गाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसका रोल। और देख सकते हो गाइस मेरा चेहरा ऑफरोडिंग करके पूरा लाल हो चुका है, पसीने से बिल्कुल तर हो चुका है भाई, आधा पसीना तो मैंने पोंछ लिया है। जितने भी मेरे डाउट थे मन में कि ये गाड़ी यहाँ पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो सारी जगह इसने क्रॉस कर दिया है। तो मैं इसको 5 में से 4 नंबर दूंगा, आप लोगों को मैंने बताया होगा। एक नंबर मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस में काटूंगा, क्योंकि भाई जो ग्राउंड क्लियरेंस है ज्यादा बड़े पत्थर आने में ये थोड़ा सा दब जा रही है गाड़ी, वहां पर थोड़ा रोकनी पड़ रही है, पत्थर देख के चढ़ानी पड़ रही है। तो गाइस अच्छा आप लोगों को ये ऑफरोडिंग पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड। तो गाइस अब मिलते हैं अपने जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।